हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, एग रोल। तो चलिए मेरी किचन में फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए एग रोल बनाने शुरू करते हैं। एक कटोरी में दो अंडे फोड़ लिए मैंने। इसमें जाएगा 1 से 2 चुटकी नमक, आप नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और 1 चुटकी ही लाल मिर्ची। बीट कर लूँगी। एग मैंने कर लिए हैं अच्छे से, गैस ऑन कर दी है। बटर डालूँगी, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बहुत फुल फ्लेम पे गैस नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। बटर मेल्ट हो गया, एग डालूंगी। एक तरफ से एग को अच्छे से पकने देंगे। मैंने परांठा बना लिया है, एक नमक हल्का सा डाल के मैंने परांठा नमक का बनाया है। आप रोटी से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन परांठे का एग रोल बहुत ही यमी बनता है। इसके ऊपर मैंने परांठा रख दिया, ये चिपक जाएगा। 2-3 मिनट वेट करेंगे और फिर फ्लिप करते हैं। अब हम इसको कर लेंगे फ्लिप। आप पैन के साथ भी पलट सकते हैं या फिर किसी स्पैचुला की हेल्प से। हल्का सा पकाएंगे, साइड में बटर लगा लेंगे। बटर लगा के 1 से 2 मिनट मैंने पका लिया अच्छे से। ये देखिए, बहुत यम्मी परांठे के साथ एग रोल बनता है। बच्चों को बना के देती हूँ मैं। अभी इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप। स्पून से फैला दूँगी अच्छे से। आप यहाँ पे मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। थोड़ी सी कैरेट, और इसमें डालूंगी मैं अब हल्का सा चाट मसाला। चाट मसाला घर का बना हुआ है ये। थोड़ी सी कैरेट और डालूंगी, चाहे तो मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं आप। अब इसको रैप करेंगे। तो देखिए एक रोल रेडी किया। दूसरा भी रोल वैसे ही मैंने रेडी कर लिया है, और कुछ फ्राइम्स लगा दिए हैं यानी कि पापड़, ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकें। और थोड़े से पापड़ मैं प्लेट में सर्व कर दूंगी बच्चों के लिए। देखिए कितना यम्मी सा लग रहा है, जैसे मार्केट में खाने जाते हैं सेम वैसे ही। आप, मैंने पूरी आटे से परांठा बनाया है। आप आधा मैदा और आधा आटा लेके भी परांठा रेडी कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।